हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ करती हूं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। नहीं, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबसे अपडेट रह सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रोमांटिक ब्यूटी HD कंसीलर। ये कंसीलर है जो लॉन्ग लास्टिंग और फुल कवरेज देता है। जैसे आप जानते हैं कि कंसीलर मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स है, आपकी एवन टोन स्किन है, तो ये आपको बहुत अच्छा कवरेज देता है। ये रोमांटिक ब्यूटी का ब्रांड का है। आप इसको बस आपको इतना सा करना है कि आपको इसको थोड़ा सा लेना है और आईज़ के नीचे लगा लेना है डॉट डॉट करके, फिर स्पंज से या ये जो वाली फिंगर रहती है रिंग फिंगर वाली फिंगर से आपको इसको स्लोली स्लोली अच्छे से ड्रप कर लेना है। ये आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नंबर है ये 50 है, चॉकलेट है ये। ये अलग अलग शेड के हिसाब से आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसको ले सकते हैं। ये HD मेकअप लुक के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ये आपको 11 ग्राम मिल जाता है और ये आई थिंक कितने रुपीज़ का आता है, ये आपको 150 या 200 तक का मिल जाता है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ओपन पैकेजिंग की। ये बहुत छोटा सा पैकेजिंग है। जैसे कि आप सब देखा होगा कि जो भी कंसीलर वगैरह आते हैं वो कैसा आता है, सिर्फ ट्यूब आती है, उसको डॉट डॉट करिए, हाथ से रब करिए। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको स्पंज नहीं है, आपके पास स्पंज यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपको फिंगर भी यूज़ करना है इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है ये, जैसे आप देख रहे हैं ये है ब्रश। जी हाँ, ये ब्रश है। ये ब्रश ही आपको इससे रब करना होता है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा प्रेस करें। प्रेस करेंगे तो ये जो मटेरियल जो फाउंडेशन कंसीलर है ये ऊपर ब्रश में आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे आप देख रहे हैं ये आ गया। अब इसको जैसे आप आई सर्कल्स डार्क सर्कल का इसको ऐसे रब करिए, ऐसे डॉट लगाइए। फिर क्या करना है आपको इसी ब्रश से, अब आपको प्रेस नहीं करना है, आप छोड़ देना है प्रेस करना। इसी ब्रश से आप इसको ऐसे रब कर लीजिए। ये देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि कंसीलर थोड़ा डार्क ही होता है, बस ये आप इसको ऐसे रब कर लीजिए। मतलब आप इसको कम को एक डॉट लीजिए, इसको रब कर लीजिए ऐसे। आपको इसमें ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना आपका स्पंज गंदा होगा। और सबसे बेस्ट तरीका है ये यूज़ करने का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कि इसका यही पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैंने इसको ये लिया है। ये बहुत बेस्ट है और ये आपको कवरेज भी अच्छा देता है और आपके हर फाउंडेशन के साथ ये अच्छे से मैट हो जाएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि सबको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी चीज़ की, प्रोडक्ट की या कॉस्मेटिक्स की आपको रिव्यूज़ देखना है। मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू बताऊँगी। सो थैंक यू एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।